ओम शांति। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आज ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है। आप सभी का ब्रह्म कुमारी मेडिकल प्रभाग की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। बहनों भाइयों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस अर्थात वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन तमाकू तथा तमाकूजन्य पदार्थों के रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तथा उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी उपक्रमों का एक भाग करके ब्रह्म कुमारी मेडिकल प्रभाग की ओर से आज एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है। बहनों भाइयों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस वर्ष का थीम है क्विट टू कमिट अर्थात तमाकू छोड़ने प्रति आंतरिक प्रतिबद्धता। तो आइए इस विषय पर हम अनुभवी वक्ताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हेतु सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने हेतु कुछ क्षण हम स्तब्ध होते हैं, मन एकाग्र करते हैं। तो आइए हम 2 मिनट राजयोग का अभ्यास करेंगे ताकि तंबाकू छोड़ने के प्रति जो सकारात्मक ऊर्जा हमको चाहिए उस प्रेरणा स्रोत परम शक्ति का हम आह्वान करेंगे। प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान और भाइयों, परमात्मा शक्ति का आह्वान से हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हुई है, आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ते हैं। आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष तथा प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीनाक्षी दीदी से हम मिलेंगे। आदरणीय दीदी जी, हम सबका स्वागत करेंगे तथा हमें आशीर्वचन से लाभान्वित कराएंगे। आप ब्रह्म कुमारी उपक्षेत्रीय निर्देशिका हो जलगांव उपक्षेत्र के, बचपन से ही और बाल्यकाल से ही आपने राजयोग योगाभ्यास में अपनी रुचि दिखाई है तथा इस क्षेत्र के लिए अपनी पूरी जीवन समर्पित की है। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मीनाक्षी दीदी के कुशल मार्गदर्शन तथा नेतृत्व में ब्रह्म कुमारी मेडिकल प्रभाव ने कई कार्यक्रम और उपक्रमों का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम उसी उपक्रम का एक हिस्सा है। तो आइए दीदी जी से हम आशीर्वचन लेंगे और लाभान्वित होंगे। आदरणीय ब्रह्म कुमारी मीनाक्षी दीदी जी। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग की तरफ से तंबाकू दिन के निमित्त यह प्रोग्राम रखा गया है। व्यसन और फैशन दोनों चीजों के कारण
आज का समाज तेजी से गिरावट की तरफ जा रहा है, व्यसनों के कारण व्यक्ति का जीवन परिवार बर्बाद होते जा रहा है। तो आज हम देखते हैं कि इनकी कैसी हालतें हैं और कैसे पैसों का भी बर्बाद होते जा रहा है, साथ साथ परिवार भी सब दुखी होते जा रहा है। और इसलिए उनको कैसे हम व्यसनों से मुक्त कराए, इसके लिए डॉक्टर सचिन परब मुंबई यह आपको इस विषय में विस्तार बताएंगे जी। व्यसन और व्यक्ति और व्यसनों से की ओर कैसे आकर्षित हो रहा है, अधिक उसके परिणाम क्या क्या है, वो सारा अर्थात उद्देश्य जो है वो बताएंगे। हमारी ईश्वरीय विद्यालय की ओर से डॉक्टर सचिन परब का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप उनका अच्छी तरह से लाभ लेंगे और सुनेंगे और जीवन को परिवर्तन करेंगे। और से आज व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें आज मनुष्य के ऊपर कितना दुष्परिणाम होते जा रहा है, परिवार सब दुखी होते जा रहे हैं और व्यसन जो है वो फैशन, आज व्यसन और फैशन में व्यक्ति गिरता जा रहा है, गिरावट की तरफ जा रहा है। और देखो तो जीवन के अंदर दुख अशांति फैलते जा रहा है और सभी दुखी होते जा रहे हैं, उनका दुखी हो रहा है, सारा विश्व दुखी होते जा रहा है। इसके लिए आज हम डॉक्टर सचिन परब मुंबई यह आपको अच्छी तरह से इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगे और व्यक्ति व्यसनों की तरफ क्यों आकर्षित होते जा रहा है, अधिक दुष्परिणाम क्या क्या है वो सब सुनाएं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बैनर भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष करके डॉक्टर किरण पाटिल सर हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर किरण पाटिल सर आज हमें बताएंगे कि ब्रह्म कुमारी मेडिकल प्रभाग की गतिविधियां क्या है। डॉक्टर किरण पाटिल सर प्रोफेशन से रेडियोलॉजिस्ट हैं तथा इस क्षेत्र के उनके कई रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय रेप्यूटेड रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा वर्कशॉप को संबोधित किया है। ब्रह्म कुमारी मेडिकल प्रभाग के आप कार्यकारिणी सदस्य हो तथा ब्रह्म कुमारी उड़ान व्यसन मुक्ति केंद्र के मार्गदर्शक भी हो। आइए डॉक्टर किरण पाटिल जी, आप हमको बताएंगे कि ब्रह्म कुमारी मेडिकल प्रभाग की गतिविधियां क्या है। ओम शांति, आप सभी को नमस्कार। विश्व एंटी टोबैको डे, विश्व धूम्रपान विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा चलाए जाने वाले अनेकानेक जो गतिविधियां है उसके मेडिकल प्रभाग द्वारा वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ब्रह्मा कुमारीज एक वर्ल्ड नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। उससे समाज की अनेक अनेक तरह से सेवाएं चलती रहती हैं। उसके 18 प्रभाग है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत 18 अलग अलग प्रभाग है, जैसे कि जूरिस्ट विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, इंजीनियर्स विंग, साइंटिस्ट विंग, वैसे ही मेडिकल विंग है। उसमें सारे समस्त विश्व के ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए मेडिकल प्रभाग और मेडिकल सर्विसेज देने वाले सभी भाई बहने जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस प्रभाग द्वारा एक महत्व की गतिविधियां चलाई जाती है पूरे विश्व में और भारत भर में भी। आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी का मेडिकल प्रभाग जगह जगह एंटी टोबैको कैंपेन में सम्मिलित हो रहा है। आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे जलगांव सेवा केंद्र में उड़ान व्यसन मुक्ति केंद्र जो चल रहा है वो मेडिकल प्रभाग द्वारा संचालित है।
और यहाँ के जो मेडिकल प्रभाग से जुड़े हुए भाई बहने हैं वो वहाँ निशुल्क सेवा देते हैं। उसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहते हैं कि हर संडे एक मेडिकल क्लिनिक रहता है जिसमें पेशेंट्स को जो एडिक्टेड पेशेंट्स है, जो धूम्रपान करते हैं और अपनी ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए मुफ्त में सेवाएं दी जाती है। उनको उनके काउंसिलिंग की जाती है, उनको कुछ मेडिकल चेकअप की जरूरत है तो वो की जाती है, कुछ दवाएं वगैरह भी दी जाती है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि गत 10 वर्षों में हमने इस मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जाने वाले व्यसन मुक्ति की गतिविधियों में अनेक अनेक भाई बहनों के व्यसन छुड़ाए हैं और उनके फीडबैक फॉर्म्स भी लिए हैं, उनका सम्मान भी किया है सभी के सामने जो जिन्होंने मोटिवेशन लेके टोबैको रिलेटेड या कोई भी ऐसे अल्कोहल रिलेटेड एडिक्शंस को छोड़े। दोस्तों, इसमें हम पेशेंट्स को काउंसिलिंग भी करते हैं और उनकी फिजिकल जांच जरूरत हो तो भी करते हैं, कुछ लैबोरेटरी टेस्टिंग और मेडिसिन भी दिए जाते हैं। हर संडे शाम को 4 से 6 के बीच में यह गतिविधियां चलती है। उसके साथ ही मैं एक बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी का ये मेडिकल प्रभाग रोज के हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य कैसे मजबूत रहे उसके हिसाब से हमें मार्गदर्शन समय प्रति समय देता आया है और हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित भी करते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस समाज की व्यवस्था में हम देखते हैं कि बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसीजेस रहते हैं, बहुत सारे मेंटल इलनेसेस है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ऐसी सब डिसीज के लिए हमने मेडिटेशन एज अ मेडिसिन के प्रयोग बहुत ही सुचारू रीति से किए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को इसके लाभ हुए हैं। हमने देखा है कि शुरू में हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो, उसमें राजयोग का क्या महत्व है, और इसी महत्व के हिसाब से हम बताते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज होते होते हमारी लाइफस्टाइल मेडिटेशनल लाइफस्टाइल हो। मेडिटेशन एक बैठ के करने की गतिविधि नहीं है, वो हमारी एक लाइफस्टाइल है। हम खाए कैसे, सोचे कैसे, बैठे कैसे, कैसी नींद ले, ये सब मार्गदर्शन हमें राजयोग मेडिटेशन हमारी लाइफ में इनकलकेट करके जो दिया जाता है उसके हिसाब से हमने अनेक अनेक प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट। ये बहुत ही सुचारू रीति से चलता हुआ प्रोजेक्ट है जिसमें हम मेडिटेशन से हमारे आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस है उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसकी जो बीमारी है उसकी जो इफेक्ट्स है वो हम कैसे कम कर सकते हैं वो हमने सिद्ध करके दिखाया है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में भी मेडिटेशनल लाइफस्टाइल बहुत बहुत समय प्रति समय काम आते दिखाई दे रही है। आज के समाज में हम देखें तो बहुत सारे जो बीमारियां है वो ज्यादातर हमारे स्ट्रेस की वजह से होती है। तो दोस्तों, मेडिकल प्रभाग हमें वही सिखाता है कि हमारा जीवन स्ट्रेस फ्री कैसे किया जाए। ये एक लाइफस्टाइल है, वो हम कैसे अपनाएं। और आज के इस दिवस पर जो विश्व एंटी टोबैको डे मतलब धूम्रपान विरोधी दिवस मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है और इसके द्वारा जो गतिविधियां चलती है वो हम समय प्रति समय जगह जगह उसकी जो प्रदर्शनियां रहती है वो भी लगाते आए हैं। गत कई वर्षों में हमने सामाजिक क्षेत्रों में जैसे कि रेलवे स्टेशन कहे या बस स्टेशन कहे ऐसी जगह पर ये प्रदर्शनियां रखी हुई थी, वहां लोगों को हम मार्गदर्शन करते थे कि देखो ये धूम्रपान करने से, तंबाकू या उसके रिलेटेड एडिक्शन से
अपने शरीर पे कैसे घातक परिणाम होते हैं, उससे हम कैसे बचे। तो बहुत सारे युवाओं ने और बहुत सारे बुजुर्गों ने भी इसका लाभ लिया है, और हम आपको इस कार्यक्रम द्वारा आह्वान करना चाहते हैं कि आप भी कैसे भी करके इस गतिविधियों में जुड़े रहिए, अपने आप को स्वस्थ रहिए, और आज के माहौल में हम डी एडिक्टेड रहे। आजकल एडिक्शन खाली तंबाकू का नहीं बचा है, आजकल नए एडिक्शन हो गए, अलग अलग प्रकार के एडिक्शन हो गए हैं, तो हम उससे कैसे बचे रहे, हम हमारी जीवन को कैसे सुचारू रीति से चलाए, यही मार्गदर्शन राजयोग अभ्यास द्वारा ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल प्रभाग से हम दिन ब दिन देते आ रहे हैं और देते जाएंगे। आप अपने नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर को संपर्क कर सकते हैं और उसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बहन और भाइयों, जिस क्षण की आप उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो क्षण अभी आया है। आज के इस वेबिनार के मुख्य संबोधन हेतु मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर सचिन परब जी। आपका सेवा स्थान मुंबई है तथा मुंबई में आप प्रोफेशनल से काउंसिलर हो। तंबाकू मुक्ति के लिए कटिबद्ध संस्था ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो। इस संस्था द्वारा आपने हजारों व्यक्तियों को व्यसन मुक्ति दिलाई है। उल्लेखनीय बात यह है कि डॉक्टर सचिन परब जी, आप महाराष्ट्र शासन के महात्मा गांधी व्यसन मुक्ति पुरस्कार के समिति सदस्य हो। इस समिति द्वारा आपने कई कार्यक्रम और उपक्रमों को प्रोत्साहित किया है। इस हेतु आपको कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। आपने ईटीवी मराठी, पिसोप पॉइंट टीवी चैनल्स, इनके द्वारा अनेक टॉक शो द्वारा कई लोगों की, कई व्यक्तियों के जीवन में व्यसन मुक्ति हेतु प्रेरणा दी है तथा उनके जीवन की दिशा और दशा बदलाने में इस आप सहायक हुए हो। भाई जी, की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस सेवा कार्य हेतु आपने हजारों लोगों के अंदर व्यसनों से छुड़वाने के लिए चेतना जागृत की है, प्रवाहित की है। तो आइए व्यसन मुक्ति क्षेत्र के ऐसे अनुभवी मार्गदर्शक डॉक्टर सचिन परब जी, आप हमें बताएंगे कि तंबाकू छोड़ने के लिए आंतरिक प्रतिबद्धता कैसे करें। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सचिन परब जी से। ओम शांति। मैं डॉक्टर सचिन परब मुंबई से आप सबके साथ वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिन के उपलक्ष्य में मेरे गत 25 वर्षों के नशा मुक्ति के क्षेत्र में, विशेषकर तंबाकू मुक्ति के क्षेत्र में जो अनुभव है वो आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। गत 25 वर्षों से मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मेरा भारत नशा मुक्त भारत इस अभियान के अंतर्गत पूरे भारत में, भारत के विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिला और विभिन्न संस्थाओं के साथ, फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल्स हो, कंपनीज हो, गांव हो, सिटीज हो, सब जगह पे अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ वार्तालाप करने का मौका मिला। तो अपने कुछ अनुभव आपके साथ मैं इस विश्व तंबाकू निषेध दिन के दिन पर रखना चाहता हूँ। मुझे सचमुच में बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि तंबाकू, ये जो जहर है, ये जहर लोग खरीदते हैं और अपने आप को विभिन्न बीमारियां और मौत से गले लगाते हैं। तंबाकू और उससे होने वाली बीमारियां इस समय महामारी से भी कम नहीं है। हम सब वर्तमान समय COVID-19 की महामारी को देख रहे हैं, लेकिन तंबाकू एक ऐसी बीमारी है जिसके अगेंस्ट आपको आश्चर्य लगेगा 182 देश, 182 कंट्रीज यूनाइटेड है और वो अपने देशों से स्टेप वाइज मैनर में तंबाकू को
निकालना चाहते हैं और उसमें भारत भी है। और ये जो कन्वेंशन है इसको कहते हैं FCTC माना फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल। इसकी ट्रीटी भारत ने भी साइन की है, इसके तहत तंबाकू को देश से निकालना है। तो क्यों 182 कंट्री इसके अगेंस्ट में, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आंकड़े देखो तंबाकू की वजह से जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान हो रहा है वो बहुत डरावना है। तंबाकू की वजह से वर्तमान समय, ये 2021वां साल है, तो अगर आप WHO के वेबसाइट पर जाएंगे, जागतिक स्वास्थ्य संगठन, तो आपको पता चलेगा कि तंबाकू की वजह से इस समय पूरे विश्व में 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है। और बड़े खेद से मुझे कहना पड़ रहा है कि केवल तंबाकू का सेवन करने वालों की नहीं, लेकिन जिनका कोई दोष नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग या निष्क्रिय धूम्रपान, माना कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है बीड़ी सिगरेट, तो उसके बाजू में जो लोग हैं जिनको पैसिव स्मोक मिल रहा है, वो सिगरेट के साइड का स्मोक और जो सिगरेट या बीड़ी पीने वाला व्यक्ति मुंह से धुआं छोड़ता है, ये दोनों स्मोक मिला के जो धुआं मिलता है उसके वजह से 12 लाख लोग मर रहे हैं। और इसमें 65,000 बच्चे भी है जिनकी मौत होती है। तो इतना खतरनाक है। भारत के भी आंकड़े बहुत डरावने हैं। भारत में हर साल 13.5 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू की वजह से होती है। ये बहुत ही डरावने आंकड़े हैं। और ये जो तंबाकू की कंपनियां हैं या फिर टोबैको लॉबी हम कहते हैं, और इन्होंने तंबाकू को, वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो शब्द ऐसा है, वो कहते हैं कि ये कैश क्रॉप है। इवन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को कैश क्रॉप कहते हैं। मैं कहता हूँ कैश क्रॉप नहीं है, ये डेथ क्रॉप है। और इनकी और एक दलील होती है कि अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो उन लोगों का क्या होगा जिनका पेट इसके ऊपर चलता है। तो मैं उन लोगों से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो 13.5 लाख विधवा हो चुकी है तंबाकू खाने वाला व्यक्ति की मौत की वजह से, या जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनका क्या, उनके बारे में भी सोचो। तो तंबाकू इतना खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, हर एक को ये अपनी चपेट में ले रहा है। और ये इंडस्ट्री या लॉबी इतनी शातिर है, हम सब जानते हैं कि शातिर दुश्मन किसको कहते हैं। ये दुश्मन बहुत खतरनाक है क्योंकि ये दोस्त के रूप में आता है, इसलिए इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। इनकी स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनको लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं, इनको केवल पैसा कमाना है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना डेटा है, अगर आप WHO के वेबसाइट पर जाओ तो आपको पता चलेगा कि 50% लोग जो तंबाकू लेते हैं उनकी मौत तंबाकू की वजह से होती है। माना 2 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु तंबाकू की वजह से होती है जो तंबाकू का सेवन करते हैं। अभी आप सोचो कि अगर 50% मेरे कस्टमर चले जाए तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये जो कंपनियां हैं ये ऐसी स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करती है, इनका पंच लाइन होता है कैश देम यंग, क्योंकि इनको पता है कि जब तक हम नए कस्टमर नहीं बनाएंगे हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। और ये बहुत दुख की बात है कि इनके नए कस्टमर है स्कूल और कॉलेज के बच्चे। तो यंग एज में जितना बच्चों को पकड़ा जाए उनका बिजनेस लंबा चलेगा। और अभी ये भी डेटा है कि अगर कोई लड़का या लड़की 18 साल के नीचे तंबाकू का सेवन चालू करते हैं तो अगले कई साल तक वो तंबाकू का सेवन जारी रखते हैं, तो इनका बिजनेस उतना लंबा चलता है। और इनके नए नए तरीके आते हैं, पहले तो सादा तंबाकू था, फिर गुटखा आया, फिर सिगरेट, फिर मेंथॉल सिगरेट, फिर फिल्टर, विदाउट फिल्टर, और अभी तो HTPs माना हीटेड डिवाइस टोबैको, और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। ऐसे नए नए तरीके से
ये यूथ को अपनी तरफ लुभाते रहते हैं और यूथ भी इनके ट्रैप में आ जाता है। सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल जो करते हैं वो है फिल्म इंडस्ट्री का। इसके ऊपर भी डेटा है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो सीन होता है वो कुछ सेकंड का होता है, लेकिन वो सेकंड के सीन से यूथ प्रभावित हो जाता है, उसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि जब भी टेंशन हो तो टेंशन को दूर करने के लिए आपको सिगरेट का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर दूसरा एक है कि आपको टेंशन नहीं है लेकिन ये स्टेटस सिंबल है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ऐसे अलग अलग शब्द युवाओं के दिमाग में डाल दिए जाते हैं। फिर आजकल एक नया एडवर्टाइज आ रहा है, उसमें वो ऐसे शब्द है कि दाने दाने में है केसर का दम या रंग जो भी है। तो ये एक्टर्स है, इनके द्वारा ये दिखाया जाता है, ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग हम इसको कहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से तंबाकू नहीं है लेकिन नाम वही है, तो इनको बेचना होता है तंबाकू जन्य पदार्थ, लेकिन एडवर्टाइज किसी और चीज की करेंगे, इसको हम कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एडवर्टाइज ये भी गवर्नमेंट के कोटपा एक्ट के अगेंस्ट ये बैन है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल करते हैं और इनका टारगेट है यूथ, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग ने अपना जो मेरा भारत नशा मुक्त भारत प्रोजेक्ट लॉन्च किया मेडिकल विंग की तरफ से, उसमें हमने प्रमुख जो अपना टारगेट रखा वो है स्कूल और कॉलेज के बच्चे, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर ये जनरेशन को हम बचाएंगे, खास करके 2000 के बाद जो पैदा हुए जिनकी आज उम्र 21 साल है, इनको अगर हम तंबाकू से बचाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन इससे बच सकती है। तो हम अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में, भारत के सभी स्कूल कॉलेजेस में जाकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम तंबाकू के नुकसान के बारे में बताते हैं और फिर उससे बचने के तरीके भी बताते हैं। तो ये एक हिस्सा हमारा हुआ कि प्रोटेक्टिंग द यूथ, माना बच्चों को बचाना, और दूसरा है कि जिनको आदत लग चुकी है, जो तंबाकू लेते हैं या गुटखा लेते हैं या सिगरेट लेते हैं या आजकल हुक्का वगैरह जो आए हैं वो भी लेते हैं, तो एनी टोबैको प्रोडक्ट्स, तो उस आदत से छुटकारा पाने के लिए इनका काउंसलिंग करना और इनको मेडिटेशन सिखाना। तो हमारा ये अनुभव है, मैं खुद ब्रह्मा कुमारी से पिछले 26 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। ब्रह्मा कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 140 से भी ज्यादा देशों में इस समय व्याप्त है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू यहाँ पर है। तो ब्रह्मा कुमारी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे डेली अलग अलग धर्म पंथ जात से जुड़े हुए लोग अपने को इन धर्म और पंथों से अलग एक रूहानी चैतन्य शक्ति समझकर परमात्मा को याद करते हैं। तो यहाँ पर लाखों भाई बहने हैं जो नशा मुक्त है, जो पहले नशा करते थे और नशा छोड़ दिया। और हमारे पास अभी डेटा भी है, हमने रिट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि हमने देखा कि बहुत पुराने नशेड़ी है जो 20-25 साल से नशा करते थे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आए, मेडिटेशन का अभ्यास किया और नशा छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। तो हमको आश्चर्य लगा, पहले हमको लगा कि थोड़े होंगे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि बहुत है। तो हमने इनका डेटा इकट्ठा किया और ये स्टडी हमने पब्लिश की, केवल तंबाकू नहीं लेकिन बाकी जैसे शराब है, हार्ड ड्रग्स है, वो भी हमने देखा है। तो मेडिटेशन तंबाकू या और नशों की लत छुड़ाने में मदद करता है, राजयोग मेडिटेशन, ये भी हमने देखा है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारा फोकस दोनों तरफ है, पर हमारा मेजर थर्स्ट जो है, ज्यादा हम अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं प्रिवेंशन में, क्योंकि अनुभव ये कहता है कि जो एडिक्शन है वो छोड़ना इजी नहीं होता है, उसमें मेहनत है, लेकिन जो जा रहे हैं हमारे यूथ बच्चे जो देश का भविष्य है, उनको रोकना बहुत इजी है। वैसे भारत सरकार ने इसके लिए कायदे बनाए हुए हैं। भारत में दो प्रमुख कायदे हैं, एक है कोटपा एक्ट, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट,
ये बहुत ही अच्छा कायदा 2003 से आया है। इसके तहत बहुत सारे प्रावधान हैं, खास करके स्कूल के 100 यार्ड्स में कोई भी तंबाकू जन्य पदार्थ बेच नहीं सकता है, स्कूल टोबैको फ्री होना जरूरी है। लेकिन मेरा अनुभव कुछ और कहता है कि कायदे हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन या बोर्ड लगने के बाद भी कई बच्चे या इवन स्टाफ, टीचिंग स्टाफ इसका सेवन करते हैं। तो ये कायदा हो गया कोटपा एक्ट। दूसरा एक कायदा है जिसको हम कहते हैं जेजे एक्ट। ये तो बहुत कड़ा कायदा है, ये हार्ड ड्रग्स के लिए कायदा था पहले, लेकिन अभी इसमें टोबैको एक्ट ऐड कर दिया। जेजे एक्ट क्या कहता है कि अगर 18 साल के नीचे किसी लड़का या लड़की को तंबाकू शॉप वाले ने अगर तंबाकू जन्य पदार्थ दिया तो उसको 7 साल की सजा, और ये नॉन बेलेबल है, माना इसका जामीन भी नहीं हो सकता, जमानत नहीं हो सकती है, सीधा जेल में जाएंगे। इसका पहला केस मुंबई में हुआ, फिर भारत में अलग अलग स्थान पर हुए। तो इतने कड़े कायदे हैं, और अभी हम COVID-19 में हैं, तो अभी हमारे पास ये भी डेटा है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको लंबा कोविड, लॉन्ग कोविड होने की चांसेस होते हैं, उनको ज्यादा डैमेज होता है, वेंटिलेटर पर गए तो रिकवर होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए इस समय पूरे विश्व में लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि तंबाकू से फेफड़ों के ऊपर असर आता है, मुंह के ऊपर असर आता है। और कोविड वायरस, हम सब जानते हैं कि कोविड वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक या हमारे श्वसन यंत्रणा के ऊपर अटैक करता है, और तंबाकू इसका दुश्मन है। इसलिए जो तंबाकू लेता है उसको अगर कोविड हुआ तो खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत तंबाकू लेने वाले इस समय तंबाकू छोड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट भारत में 2 सर्वे हुए थे जिसको हम गैट्स कहते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे है, और 5 साल में होता है, 2011-12 में, फिर 16-17 में हुआ था। और उसके तहत भी हमारे पास अभी डेटा है कि बहुत से लोग, जैसे भारत में 26 करोड़ के ऊपर लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, भारत तो डबल मार झेल रहा है। जैसे विदेशों में ज्यादातर स्मोकिंग करते हैं, तो भारत में बिना धुएं का तंबाकू, जो चबाने वाला तंबाकू है वो भी लेते हैं और धुएं वाला तंबाकू भी लेते हैं। और अभी इसमें हुक्का पार्लर की भी और ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई सिगरेट की भी भरमार हो चुकी है, हालांकि उसको रोका गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने इसको रोका है, फिर भी इलीगली अवेलेबल है। तो भारत को ये डबल मार झेलनी पड़ रही है। तो देखा गया है कि गैट सर्वे के अनुसार भी भारत के काफी लोग अंदर से चाहते हैं कि वो तंबाकू इला से छुटकारा पाए। तो ये राइट अपॉर्चुनिटी है, कोविड भी हमको सचेत कर रहा है कि आप अपने आप को तंबाकू से दूर रखें। और इसी को ध्यान में रखते हुए जागतिक स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस साल जो थीम दिया है, हर साल WHO थीम देती है वर्ल्ड नो टोबैको डे पर, जागतिक तंबाकू निषेध दिन पर, तो इस साल का थीम है कमिटमेंट टू क्विट, माना छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए दृढ़ रहे। और मेरा ये अनुभव कहता है, जितने भी 20,000 के ऊपर भाई बहनों का इंटरव्यू लेने का जो मौका मिला, जिन्होंने तंबाकू छोड़ा है या बाकी के नशे छोड़े हैं, तो हमारा ये अनुभव है जो पूरी तरह से छोड़ता है, एक झटके में छोड़ता है, उनका नशा छूट जाता है और तंबाकू को छोड़ा जा सकता है। मेरा ये अनुभव है क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है जो 25-30 साल से नशा करते थे, लेकिन उन्होंने झटके में छोड़ा। और जो मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर मैंने देखा विड्रॉल कम है, विड्रॉल माना वो तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ कम होती है या नहीं के बराबर होती है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। और जिनको भी होती है तकलीफ वो 72 घंटे तक ही रहती है, उसके बाद आपके बॉडी के अंदर का जो निकोटीन है जिसके वजह से नशा होता है वो वॉश आउट हो जाता है। तो ये भी अच्छी बात है, आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां भी है इसके लिए। एलोपैथी में खास करके निकोटीन च्यूइंग गम या स्किन पैच आता है, पैच, वो पैच 24 घंटा आपके स्किन के ऊपर रहता है,
और उस पैच से आपको निकोटीन मिलता है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ में अगर हम दवाइयों का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी दवाइयाँ है, बिप्रीनॉर्फिन है, वर्निक्लिन है। ये दवाइयाँ आप केवल टोबैको सीजेशन एक्सपर्ट जो है, जिनको इसकी ट्रेनिंग मिली है, उनके गाइडेंस के अनुसार ही ले तो आपको तकलीफ कम और फायदा ज़्यादा होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो मदद करता है वो है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प करें कि मुझे तंबाकू छोड़ना है, या फिर हमारी टीम से बात करें, ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग की टीम है जो आपको इसको इसमें मदद कर सकती है। पूरे भारत में जहां पर भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर है, आजकल कोविड के वजह से, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन सेशन चलते हैं, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो आप तंबाकू छोड़ सकते हैं। कमिटमेंट टू क्विट। तो समराइज करेंगे इसको अच्छी तरह से। सबसे पहला, जैसे मैंने करा, हमारा मेजर फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन माना वो सब जनरेशन जो 2000 के बाद पैदा हुई है, आज 18, 20, 21 जो भी इनकी उम्र है, इन सबको हमको तंबाकू से बचाना है, और बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्रिएट करना है। जैसे नेगेटिव पीयर प्रेशर, चल यार मेरी दोस्ती के खातिर ले ले, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो ले ले। मैं कई स्कूल में बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि कौन सा हीरो है जो स्टाइल में ऐसे हवा में उड़ाता है, तो तुरंत सब बच्चे जवाब देते हैं, और कई बच्चे तो स्टाइल भी दिखाते हैं कि इस तरह से करते हैं। और यही तरीका है इंडस्ट्री का इन बच्चों को लुभाने का। जब वो देखते हैं मेरा फेवरेट हीरो या हीरोइन या विलन इस तरह से सिगरेट उछालता है या स्टाइल से गुटखा लेता है, तो मुझे भी ऐसा लूंगा, तो मैं भी उनके जैसा हूँ, आइडेंटिफिकेशन होता है। और इसी नफ्स को पकड़ते हुए हम उनको बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसको समझो, ये आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई हीरो नहीं बनता है। इनफैक्ट जो लोग इसका सेवन करते हैं उनका कॉम्पिटेंस कम हो जाता है, उनकी कैपेसिटी कम होती है। यूथ को ये ध्यान में रखना चाहिए कि तंबाकू जो है इससे स्पर्म्स का काउंट, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है आपके चेहरे पर, यहाँ पर, यहाँ पर, खास करके मुंह के चारों तरफ और आंखों के तरफ झुर्रियां आती है, क्रीसिस आते हैं, ये तंबाकू का इफेक्ट है। आपकी मर्दानगी को ये कम करता है, तो तंबाकू आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है। तंबाकू शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ता है, सिर से लेके पाँव तक हर अंग के ऊपर इसका इफेक्ट है तंबाकू का। तंबाकू के धुएं के अंदर 7000 केमिकल होते हैं, और इसमें से 70 ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक है, माने जिससे कैंसर उत्पन्न होता है। चबाने वाले तंबाकू में भी 3000 केमिकल होते हैं। तो तंबाकू किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं, ना इसका कोई भी लेवल सेफ नहीं, ऐसे नहीं कह सकते 2 सिगरेट ठीक है, 4, नो सेफ लेवल ऑफ टोबैको, ऐसा है ही नहीं कि ये सुरक्षित तंबाकू का स्तर है। तो बच्चों को ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझाना है कि कोई आपको ऑफर करे तो आपको फॉर्मली ना कहना चाहिए, जस्ट से नो, नहीं चाहिए। अगर कोई ऑफर करता है तो आपको उसको समझाना आना चाहिए कि मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन आप भी नहीं लो। इस तरह से एक आर्मी या एक ऐसा टीम तैयार करना है स्कूल में जो कि पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करे। होता क्या है, जो बच्चे सेल्फ एस्टीम या स्वमान में कमजोर होते हैं या दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, वो जल्दी इससे इसके अंदर प्रभाव में आते हैं, या टीवी का एडवर्टाइज देख के हीरो जैसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या उनको लगता है कि इससे स्ट्रेस दूर हो जाएगा तो इसका सेवन करते हैं, और उनको लगता है बड़े हो गए। कई बच्चों को मैंने पूछा तब उन्होंने कहा हमको भी लगता है जब हम सिगरेट पीते हैं तो हम बड़े हो गए, पापा जैसे हो, हम बड़े होने का लक्षण है या स्टेटस का लक्षण है। तो ये इनके दिमाग में डाल दिया गया इंडस्ट्री के द्वारा, इसको हमको चैलेंज करना चाहिए। तो इन बच्चों को बचाना चाहिए, टीचर्स को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने टीचर्स को एड्रेस किया है तो एक स्टेट में देखा कि 50% टीचर्स तंबाकू लेते हैं, तंबाकू के अलग अलग नाम हैं।
तो बहुत आश्चर्य लगा, अगर टीचर ही तंबाकू लेते हैं तो बच्चों के ऊपर क्या असर होगा। तो टीचर्स को भी बहुत अलर्ट रहना चाहिए। हमने तो तक गवर्नमेंट को सजेशन दिया है कि जैसे आप रेस्टोरेंट होता है वहां अगर कोई स्मोकिंग करता है तो रेस्टोरेंट ओनर को पकड़ते हैं, वैसे अगर स्कूल में कोई तंबाकू लेते हैं तो स्कूल को फाइन करना चाहिए, या उनको अनुदान मिलता है तो रोकना चाहिए, क्योंकि वो इनएफेक्टिव है। इनको एटलीस्ट कैंपस में कोई भी तंबाकू नहीं लेना चाहिए, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, जबकि कायदा इतना कड़क है 7 साल की सजा है, तो स्कूल कैसे तंबाकू चला लेता है, खास करके टीचिंग स्टाफ लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, तो इसको बहुत कड़क करना चाहिए। गवर्नमेंट में भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या कंपनी वाले हैं उनका प्रमोशन रोक देना चाहिए अगर वो तंबाकू का सेवन करते हैं। इतना कड़क अगर हम रहेंगे तभी इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। मैं ड्राइवर्स और कंडक्टर्स में भी देखता हूँ कि बहुत सारे ड्राइवर्स और कंडक्टर तंबाकू का सेवन करते हैं और उनको लगता है कि इससे एनर्जी आती है, नींद नहीं आती है, थकावट दूर होते, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, तो इन सब बिलीफ्स के ऊपर काम करना है, इनको बार बार बताना है। पर मैं यही कहूँगा कि अगर प्यार से नहीं समझते तो कायदे से भी इनको समझाना चाहिए। जैसे अभी मैं मुंबई महाराष्ट्र में हूँ तो यहाँ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने ओपन प्लेसेस में थूकने के ऊपर 1,000 से 5,000 तक का फाइन रखा है, क्योंकि कोविड भी फैलता है, टीबी जैसी बीमारियां फैलती है, और ये जो तंबाकू चबाने वाले होते हैं खास करके गुटखा जर्दा और सादा तंबाकू, ये ओपनली स्पिट करते हैं और उसके वजह से बीमारियां फैलती है। 6 महीने तक की सजा भी रखा है, प्रावधान रखा है। पर मैं फिर से कहूंगा कि ये सब कायदे बने हैं लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसलिए पब्लिक को भी जागरूक रहना चाहिए। आजकल हमारे पास डिवाइसेस है, मोबाइल है, हम फोटो निकाल के भेज देना चाहिए और गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा हो, कोई तो सिस्टम ऐसी हो जिससे कि हम अपना और दूसरों का स्वास्थ्य बचाए। तो बच्चों के ऊपर फोकस करें हम, विशेष स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इनको हम तंबाकू मुक्त बनाए, और दूसरे लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनको हम मोटिवेट करें। देखो, तिरस्कार करने से व्यक्ति नशा नहीं छोड़ता है, वो छुप के करेगा। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस है कि जो पकड़े जाने के बाद वो छुप छुप के नशा करते, खास करके बच्चे, क्योंकि ये लत है, वो यहाँ से नहीं समझता है, उसको समझता है गलत है पर वो रोक नहीं पाता है। ऐसे कितने लोग हैं मैंने देखा, हमारे पास एक ऐसी केस है जिसको कैंसर हुआ है, कैंसर होने के बाद मुंह का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद भी जब उसमें से बाहर आया उसने फिर से स्मोकिंग चालू किया। माना ये लत कितनी स्ट्रांग है आप समझ सकते हैं। तो केवल डांटने से कुछ नहीं होता है, उसको अंदर से महसूस होना चाहिए। और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इस मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो रिप्लेसमेंट थेरेपी का काम करता है। मेडिटेशन एक साइंटिफिक टेक्निक है जिससे कि हमारे ब्रेन के अंदर एक प्लेजर सेंटर है जहां पर डोपामिन रिलीज होता है, वो डोपामिन ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन से रिलीज होता है। माना एक बॉडीलेस और खुशी का अनुभव बॉडीलेस स्टेज में होता है, तब नशा छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। मैंने बहुत लोगों को पूछा कि आपने कैसे छोड़ा, वो बोले पता नहीं हमको कब छूटा, हमने छोड़ा नहीं, छूट गया। इसका मतलब इनको कुछ तो अच्छा मिला है तभी ये छूट गया, क्योंकि इनको पता ही नहीं चला कब छूटा, वो कहते अंदर से ख्याल ही नहीं। इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट, माना ब्रेन के अंदर केमिकल शिफ्ट हुआ है, चेंजेस हुए हैं, तभी आप ये छोड़ पाते हैं। अदरवाइज अगर आप केवल विल पावर से, इच्छा शक्ति से छोड़ने जाओ तो सबसे नहीं होता है ये, कुछ लोग कर पाते हैं लेकिन सबसे नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार शरीर को डिमांड करता है और वो खींचता है। तो ये मेडिटेशन से केमिकल शिफ्ट होता है। ब्रह्मा कुमारी सभी सेंटर पर केवल मेडिटेशन ही नहीं लेकिन पॉजिटिव थॉट्स, परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, वो महावाक्य भी बहुत शक्ति देते हैं। जैसे एक भाई को हमने पूछा कि तुमने कैसे छोड़ा 22 साल का नशा, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे यहाँ आके पता चला कि मैं तो एक महान आत्मा हूँ, मैं देवता धर्म की आत्मा हूँ और देवताएं कभी नशा नहीं करते हैं। तो ये ज्ञान की पॉइंट है, ये स्पिरिचुअल पॉइंट है, लेकिन उस व्यक्ति को ये पॉइंट जच गई और उसकी बुद्धि ने उसको स्वीकार किया और उसका छूट गया।
एक को मैंने कहा कि तुम चेन स्मोकिंग करते हो, तुमने कभी श्री कृष्ण को स्मोकिंग करते देखा है क्या? तो उसने कहा नहीं देखा, श्री कृष्ण तो कभी स्मोकिंग नहीं करता है, तो क्या करता है? बांसुरी बजाता है। मैंने सिर्फ इतना कहा। दूसरे दिन से उसने सिगरेट छोड़ दी और चेन स्मोकर था, तो मुझे लगा बहुत तकलीफ होगी। तो उनके बीवी ने बहुत खुश होकर कहा कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने सिगरेट तो छोड़ दिया लेकिन सुबह से बांसुरी बजा रहे। तो ये है रिप्लेसमेंट, वही खुशी वो बांसुरी में उनको मिलने लगी और उसको एंजॉय करने लगे क्योंकि वो कृष्ण को मानते थे। तो इस तरह से आप बिलीफ सिस्टम को लेकर सामने वाले को, क्योंकि कुछ रिलीजियस बिलीफ होते हैं वो भी मदद देते हैं, कुछ कम्युनिटीज में तंबाकू का सेवन नहीं है क्योंकि वो बिलीफ के साथ चलते हैं। तो हमको कुछ ऐसे पॉजिटिव बिलीफ भी व्यक्ति के अंदर इंस्टॉल करने हैं जिसकी वजह से नशा छूट सकता है। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारा देश तंबाकू मुक्त हो, जैसे हमने ट्रीटी साइन की है। और मुझे लगता है कि अगर हम सब अटेंशन रखें और इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पे हम सब प्रतिज्ञा करें कि कम से कम हर एक व्यक्ति जो ये सेशन सुन रहा है, एक व्यक्ति 5 लोगों को मोटिवेट करे तंबाकू छोड़ने के लिए, केवल 5, ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। और उन 5 में से हर एक को कहे कि वो आगे 5 है ना, इसको पे इट फॉरवर्ड कहते हैं, इसके ऊपर मूवीज भी कई सारे बने हुए हैं, तो एक चेन तैयार हो जाएगा और हम अपने देश को धीरे धीरे तंबाकू मुक्त कर सकते हैं। रही सवाल टोबैको लॉबी और उन लोगों की जिनका बिजनेस तंबाकू के ऊपर चल रहा है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रहे कि कैसे उनको पर्यायी व्यवस्था दी जाए कि तंबाकू छोड़ के दूसरी खेती या दूसरे बिजनेस में चले जाए, तब ये धीरे धीरे ट्रांजिशन होता रहेगा। बहुत लोग मुझे ये सवाल पूछते कि अगर इतना खतरनाक है तो गवर्नमेंट पूरी तरह से बैन क्यों नहीं करती? वो स्लो प्रोसेस है, इवेंचुअली धीरे धीरे वो होने वाला है। परमानेंट सॉल्यूशन तंबाकू का एक ही है कि डिमांड को कम करना या प्रोडक्शन को कम करना। प्रोडक्शन इमीजिएटली नहीं होगा, वो स्लोली होने वाला प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन डिमांड को कम करना हमारे हाथ में है। और डिमांड को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? डिमांड को कम करने के लिए एजुकेट करना चाहिए, जैसे मैंने कहा स्कूल और कॉलेज में बार बार इसके सेशन होने चाहिए। और तंबाकू निषेध दिन केवल 31 में नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से जिस तरह से भारत की लोक संख्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर तंबाकू है पूरे वर्ल्ड में, तो हर दिन तंबाकू निषेध दिन होना चाहिए, हर दिन। और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग अभी जागरूक हो चुके हैं धूम्रपान के बारे में, दूसरों को टोकते हैं, एयरपोर्ट पे भी अलग लाउंजेस हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे हालांकि इतना टाइट नहीं लेकिन लोग अभी बोलने लगे हैं। ऐसे ही चबाने वाले तंबाकू के बारे में भी लोगों को बोले, क्योंकि इससे आजकल कोविड भी फैलने के चांसेस है और टीबी तो फैलता ही है। तो ये हमारा अधिकार है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। मेरे दिल की बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम तंबाकू मुक्त है। जो भी तंबाकू का सेवन नहीं करते वो गर्व से अपने घर के बाहर लिखे कि दिस होम इज टोबैको फ्री, क्योंकि जैसे मैंने कहा निष्क्रिय धूम्रपान से 12 लाख लोग मरते हैं, 65,000 बच्चे जिनका कोई दोष नहीं होता है। और आजकल एक और एक टर्म ऐड हुआ है, थर्ड हैंड स्मोक, माना जिस कमरे में स्मोकिंग हुआ है वहां पे जो स्मोक के कण होते हैं, धुएं के कण जो होते हैं, वो पर्दे में फर्नीचर पर सालों तक रहते हैं। ऐसे डेटा है, WHO में लिखा हुआ डेटा है, सालों तक जब तक आप उसको विशेष विधि से नहीं निकालते वो फिर से आपके अंदर जाते हैं। जिस ऑफिस में स्मोकिंग हुआ है वहां घुसते ही आपको पता चलेगा, तो ये नुकसान देता है। ये आपका अधिकार है कि इससे बचा जाए, तो अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। इन लोगों को प्रमोशन रोकना चाहिए, ऑफिस और जो भी एंटरप्राइजेस है जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो भी फाइन है उनको भरने को, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है कि उनका कैंपस टोबैको फ्री रहे।
ना कि इंडिविजुअल। जैसे आपने रेस्टोरेंट में अगर कोई स्मोकिंग करता है तो रेस्टोरेंट ओनर को बताया जाता है, उनको फाइन होती है, ऐसे ही ऑफिसेस और एंटरप्राइजेस जहाँ पे ड्राइवर्स कंडक्टर हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को फाइन होना चाहिए, ताकि वो ऊपर से टाइट करके हर जगह गवर्नमेंट की मशीनरी पहुंच नहीं सकती है। हालांकि भारत में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कंट्रोल क्यों करते हैं, जब मलेरिया का इरेडिकेशन है, टीबी इरेडिकेशन है, लेकिन टोबैको इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं बनाया, टोबैको कंट्रोल। माना गवर्नमेंट ये कहना चाहती है आप ले सकते हैं पर कंट्रोल रूप में लो, ये भी गलत है। जब आपको पता है कि ये पॉइजन है तो कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, इसको इरेडिकेट करना चाहिए। जो भी कारण है, मुझे ऐसे लगता है कि ये कैश क्रॉप नहीं है, जैसे मैंने कहा ये डेथ क्रॉप है। और जो भी तंबाकू के बिजनेस में है, मैं थोड़ा इमोशनल अपील करूंगा कि लाशों के ढेर पर अपने मकान मत बनाओ। तंबाकू बनाने वाले, बेचने वाले, डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है और खरीदने वाले, ये सब इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं जाने अनजाने में। और लोगों की बद्दुआ नहीं लो, क्योंकि मैंने देखा है जिसका पति मर जाता है, जिसका बच्चा मर जाता है, वो औरत, वो लेडी बहुत बद्दुआ देती है तंबाकू बनाने वाले। आप को अगर विश्वास नहीं होता है तो किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाओ और देखो, मुंबई में मैं रहता हूँ, टाटा हॉस्पिटल में जाओ, क्या हालत है लोगों की, बहुत बद्दुआ देते हैं तंबाकू बनाने वाले बेचने वालों को। तो मैं चाहूंगा एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि बद्दुआ मत लो। बद्दुआ से कमाया हुआ पैसा आपको किसी भी प्रकार से सुख नहीं दे सकता, क्योंकि तंबाकू से भले आप सोच रहे हैं कि पैसा अच्छा आता है, लेकिन उसमें बद्दुआ भरी हुई है। क्योंकि जिस घर का व्यक्ति तंबाकू के वजह से मर चुका रहता है, उसके बीवी और बच्चे बद्दुआ बहुत देते हैं ऐसे लोगों को जिसने तंबाकू बेचा। क्योंकि एक माँ अपना बेटा खोती है, पति खोती है, उसका पूरा परिवार गरीबी की तरफ जाता है। तो बद्दुआ वाला बिजनेस नहीं करो, दुआ वाला बिजनेस करो, दुआ दो और दुआ लो। मुझे पता है ये कठिन है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन जितना जल्दी हम इससे दूर हो सके उतना अच्छा है। तो जैसे इस समय 182 देश, 182 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अपने देश से तंबाकू निकालने का सोच रहे, भारत भी उसमें है, तो आइए हम सब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भारत को तंबाकू मुक्त बनाए। अभी कंट्रोल करने से नहीं होगा, इसको इरेडिकेट ही करना चाहिए। और ये नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के बजाय नेशनल टोबैको इरेडिकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। तंबाकू मुक्त के नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि तंबाकू को, तंबाकू की किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है। ये अनाज नहीं है, ये जीने के लिए जरूरी नहीं है, ये एडिक्टिव सब्सटेंस है, ये नशेड़ी पदार्थ है। कल अगर कोई ऐसा कहे नहीं हीरोइन तो जीने के लिए जरूरत है, गांजा तो जीने के लिए जरूरत है, उसको भी कंट्रोल करो, नहीं, ये इरेडिकेट ही करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्लियर डेटा है कि 13.5 लाख लोग हर साल मरते हैं, हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। मुझे आश्चर्य लगता है 40-50 लोग रेलवे एक्सीडेंट में या प्लेन एक्सीडेंट में मरते हैं तो हंगामा मच जाता है, गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ता है अपना तख्ता। यहाँ पे रोज 3,500 लोग 24 घंटे में मर रहे हैं, हालांकि अलग अलग एरिया में अलग अलग रूप से मरते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है, लेकिन मर रहे हैं, ये डेटा है। फिर हम इसको कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? हमारे जैसे बहुत सारे डॉक्टर, कैंसर सर्जन है, काउंसलर है, तंबाकू से होने वाले बीमारियों में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वही एनर्जी और पैसा कहीं और लग सकता है। 1,04,500 करोड़, 1,02,000 करोड़ नहीं, 1,04,500 करोड़, ये भी पुराना डेटा, अभी वो बढ़ चुका होगा। तो इतना 1,04,500 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, यह हमारा तुम्हारा टैक्स का पैसा है। अगर इसी पैसे को हम अच्छे कार्य में, तो गरीब को अनाज मिल सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, और डॉक्टर्स अपना ध्यान कहीं और बीमारियों को कंट्रोल करने में लगा सकते हैं, इन सबको रोका जा सकता है। इसलिए कहते हैं टोबैको इज द ओनली प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। तंबाकू एक ऐसी बीमारी है जिसको रोका जा सकता है, इससे होने वाली हानि और मृत्यु को पूरी तरह से रोका जा सकता है, इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो आज ही प्रतिज्ञा करें, अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं तो कृपया इससे बचे रहिए।
फिल्म इंडस्ट्री के एडवर्टाइज या झांसे में नहीं आए, अगर आप ले रहे हैं तो छोड़ने की प्रतिज्ञा करें, कमिटमेंट टू क्विट जो इस साल का थीम है, अगर आप छोड़ना चाहते हो या अपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को भी समझाना चाहते हो तो नजदीक की ब्रह्मा कुमारी शाखा से संपर्क करें या मेडिकल विंग के किसी भी मेंबर से संपर्क करें या मुझसे संपर्क करें, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आप सबको इस वर्ष के वर्ल्ड नो टोबैको डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जहर है, इससे दूर रहिए, ये डेथ क्रॉप है, दुआएं ले, तंबाकू की बजाय अच्छे फल खाए, अच्छी तरह से, अच्छी खाने की चीजें बहुत सारी है जिसका हम सेवन कर सकते, डेफिनेटली जीवन का आनंद ले, लेकिन जहरीले पदार्थों से दूर रहें। आप सबको वर्ल्ड नो टोबैको डे के बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं ब्रह्मा कुमारी की ओर से और मेडिकल विंग की तरफ से। आपको किस कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या तंबाकू जन्य पदार्थों से मुक्ति के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद। बहन और भाइयों, डॉक्टर सचिन परब जी ने हमें तंबाकू छिड़वाने के लिए आंतरिक प्रतिबद्धता पर बहुत ही मौलिक और अनुभवयुक्त विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आइए इस सत्र के आज के दूसरे हमारे वक्ताओं से मिलेंगे, वो बहुत ही ब्रीफ में व्यसन मुक्ति के कार्य में उनका अनुभव क्या है तथा व्यसन मुक्ति के हेतु क्या करना चाहिए इस पर प्रकाश डालेंगे। सौ चेतना विस्पुटे। चेतना जी, आप संचालिका हो चेतना व्यसन मुक्ति केंद्र के, तो जिस प्रकार से उनका नाम है चेतना, उसी प्रकार से व्यसन मुक्ति हेतु उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में उस चेतना का प्रवाहन किया है। तो आइए मिलते हैं सौ चेतना विस्पुटे जी से। नमस्ते, मैं चेतना नितिन विस्पुटे चेतना व्यसन मुक्ति केंद्र जलगांव से बात कर रही हूँ। एंटी टबैको डे के नाम से पूरी दुनिया में याद किया जाता है। हम सब जानते हैं टबैको मतलब तंबाकू से कई लोग इतनी सारी बीमारियों के शिकार होते हैं। दुनिया में तो छोड़िए, सिर्फ हमारे भारत में ही 8 से 9 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले पदार्थों की वजह से होती है। हार्ट और लंग्स की कई सारी बीमारियाँ इनके सेवन करने से होती है। लगभग 85% लोग धूम्रपान या तंबाकू जन्य पदार्थों के सेवन करते हैं, उनमें नपुंसकता आती है, फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये सब आपको भी पता है। इतनी सारी बीमारियां इन पदार्थ के सेवन से आती है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि बड़ी आसानी से तंबाकू मिल जाती है या लोग उसको खाना पसंद करते हैं। फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये आदत लगती कहाँ से है? अगर तंबाकू इतनी गलत चीज़ है या उससे बनने वाले पदार्थों से हमारे शरीर में इतना नुकसान हो रहा है, तो ये सब आदतों को हम अनुकरण करना सीखते कहाँ से हैं? तो सबसे पहली बात आती है कि बड़ों का अनुकरण। बड़ों का अनुकरण, अब आप कहेंगे कि बड़े तो सिखाते नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर गाँव में या स्लम एरिया में आप जाके देखिए, अगर बच्चा कोई दुकान पर कुछ चीज़ खरीदने जा रहा है, मान लीजिए दूध की बैग खरीदने जा रहा है, पीछे से आवाज़ आती है, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, दूध लेने? हाँ, आते समय मेरी तंबाकू की पुड़िया और चूना भी ले आना जरा। मतलब उसको पता नहीं है कि तंबाकू क्या है, बस पापा खा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए वो लेके आ रहा है। तो ऐसे करते करते जब बच्चा समझदार होने लगता है, 10 के बाद 12-15 की एज में जब वो आता है, तो उसके मन में क्यूरियसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि ऐसा क्या है कि पापा उसको रोज खाते हैं, रोज नहीं दिन में 10 बार 8 बार खा रहे हैं, कुछ तो होगा, पापा खा रहे, पड़ोस के अंकल खा रहे, बाजू वाली आंटी खा रही है, दादी खा रही है। तो ये देख देख के उनके मन में उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो धीरे धीरे अनुकरण करना सीख जाते हैं और उनको खुद पता नहीं चलता कि वो कब तंबाकू के सेवन के आदि हो जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है ईजी अवेलेबिलिटी। आप कोई भी किराना दुकान पर चले जाइए, 10 चीज़ों में से 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी चलेगा, लेकिन उसके बाद तंबाकू की पुड़िया, गुटखा, सिगरेट मिलना ही मिलना है। और तीसरी बात है कुसंगत। आपको लगता है कि अच्छी आदतें होनी चाहिए, लेकिन आपकी संगत भी उस पर डिपेंड करेगी कि आपकी आदतें आपको चाहिए वैसी डेवलप हो भी रही है या नहीं।
आप खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके साथ रहने वाले और बच्चे खा रहे हैं आपके साथ। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी इंटीरियर प्लेस में रहते हैं, आप पढ़ाई के लिए, काम के लिए बस से अप डाउन कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वो बच्चे क्योंकि टिफिन ला नहीं पाते, या लाया है तो ख़त्म हो जाता है, थक जाते हैं, भूख लग जाती है, दोस्त बोलता है कुछ नहीं, थोड़ी गुटखा पूरी खा ले, कुछ नहीं होगा, तेको अच्छा लगेगा। ऐसा करते करते हम चाहते हुए ना चाहते हुए संगत की वजह से ये सब बातें सीख जाते हैं। और सबसे बड़ा सोर्स जो हम सबके पास है ना, घर में हमारे खाने के लिए किराना नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन टीवी सबके घर में होता है। आप देखो बर्तन वाली बाई के घर में टीवी है, वॉचमैन के घर में टीवी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट जरूरी है। वो एंटरटेनमेंट हमको फ्री में नहीं मिलता, पैसे तो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले हम उससे इतनी बुरी चीज़ सीख रहे हैं जो हमको पता नहीं है। 3 घंटे की मूवी में आप देखो कितनी सारी ऐड आती है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन ऐड कर रहे हैं। किस चीज़ की ऐड कर रहे हैं? तंबाकू की ऐड कर रहे हैं, सिगरेट की ऐड कर रहे हैं, गुटखा पूड़ी की ऐड कर रहे हैं। और वो तो बच्चों के न्यू जनरेशन के आइडल होते ही है, तो वो जो कर रहा है, जिस एक्सेंट में कर रहा है, वो सब हमको करना है। वो गलत है सही है वो तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हीरो कर रहा है मतलब सही है। और सबसे अच्छी और बुरी बात, हमारी गवर्नमेंट उन पैकेट पे लिखती है कि ये स्वास्थ्य से के लिए हानिकारक है। अच्छी बात है, लिख दिया, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा है उसको, सब सिर्फ खरीद रहे हैं। आप टीवी में मूवी में दिखा रहे हो हीरो सिगरेट पी रहा है, नीचे लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम वो नहीं पढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हीरो सिगरेट पी के कैसे टशन में काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमको घर बैठे मिलती हैं, सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। और युवा पीढ़ी, क्योंकि इनके आइडल होते हैं आज की जनरेशन के सारे हीरोज, उनको आंखें बंद करके फॉलो करना पसंद करती है। तंबाकू के नुकसान हमने सुने, आदतें कैसे लगती है वो भी हम जानते हैं। बट अब ठीक है, आपको तंबाकू की आदत लग गई है, तो क्या हम उनको छुड़ा सकते हैं? हाँ, कोई भी व्यसन, कोई भी एडिक्शन छुड़ाया जा सकता है, आसान नहीं है मगर छुड़ाया जा सकता है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि हमको सोचना है कि मुझे ये चीज़ बंद करनी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है, सोचने से सब कुछ होता है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, घर में आईने में, मिरर में सामने खड़े होकर बोलना है कि मुझे आज से इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। क्योंकि आप जब खुद की आंखें डाल के देखेंगे तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे। आप पूरी दुनिया से झूठ बोलेंगे, बीवी से बोलेंगे, बच्चों से बोलेंगे कि मैंने अभी बंद कर दिया, अब मैं नहीं खाता हूँ, मैं कम खाता हूँ, लेकिन आप जब आईने में देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने झूठ बोला है। अपने रोज़ जितनी मात्रा में आप व्यसन करते थे, तंबाकू लेते थे, आप उतनी मात्रा में अभी भी खा रहे हैं। इसलिए सबसे पहला प्रॉमिस, सबसे पहला अश्योरेंस आप अपने आप को दीजिए कि मुझे अभी व्यसन कम करना है। छोटे छोटे सब्स्टिट्यूट दीजिए अपने आप को। जैसे आप जब भी आपको याद आता है कि मुझे गुटखा खाना है, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे तंबाकू खानी है, तो आप छोटा सा उसकी जगह कुछ और खाने की कोशिश कीजिए। आप इलायची खा सकते हैं, लौंग खा सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो कोई फ्रूट जूस पी सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये करनी है कि आप अपने घर में, ऑफिस में, काम की जगह में, जहाँ कहीं ये चीज़ रखते हैं, किसी ड्रावर में, कबर्ड में, किचन में, या काम वाली बाई है तो साथ में कैरी करती है, तो वहाँ से वो सब चीज़ें आप, जैसे पुलिस कैसे किसी के घर की जब चेकिंग होती है तो सारी चीज़ें निकाल के चेक करती है, आप आराम से अच्छे से चेक करो, जहाँ कहीं आपने तंबाकू की पुड़िया, सिगरेट का पैकेट, गुटखा, जो कुछ रखा है उसको निकालिए और फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए, ताकि आप वहाँ से उठा के दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकें। मतलब अब आपके पास कहीं भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब आपको तीसरी चीज़ ये करनी है कि जब जब आपकी इच्छा हो रही है तो उस ट्रिगर पॉइंट को आपको समझना है कि मेरी जैसे इच्छा हो रही है तंबाकू खाने की, तो मुझे उसकी जगह, तंबाकू खाने की जगह, कुछ और काम करना है, कोई और चीज़ खानी है, कहीं और अपना ध्यान बटाना है। अब आप बोलेंगे कि इतना आसान नहीं है, तो एक दिन में तो ये हो नहीं सकता, धीरे धीरे आपको करना है। सबसे पहले आपको खुद को प्रॉमिस करना है, जहाँ कहीं ये चीज़ें रखी हुई है वहाँ से उठा के उनको फेंकनी है, डस्टबिन में फेंकनी है याद से। और उसके बाद आपको अगले दिन से सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय देखने की कोशिश करनी है। आप सोचेंगे कि सूर्योदय का क्या संबंध है व्यसन से? सूर्योदय का जो सुबह का लाल रंग हम जब देखते हैं तो वो हमको ऊर्जा देता है, पॉजिटिविटी देता है। ये आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, जब आप ये चीज़ बार बार करेंगे तो आपको नेचर से प्यार होगा, और जब नेचर से प्यार होगा तो आप उसकी वो खूबसूरती को देखने के लिए अच्छी हेल्थ चाहेंगे, जो आपको अपने आप मिलेगी। सूर्योदय के समय उठना और वहाँ पे 15-20 मिनट रहना, इससे आपकी हेल्थ अपने आप रिकवर होने लगेगी। आपको सात्विक आहार खाना है, मतलब आपको तीखी सब्जी पसंद है आप खा रहे हैं,
आपको मिर्ची पसंद है, आप खा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे कम करनी है। एक तो आप हानिकारक पदार्थों का सेवन कर रहे थे, उस वजह से आपका हेल्थ वैसे ही इफेक्ट हो चुका है। ऊपर से आप खाना अगर ऐसा खाएंगे, सात्विक आहार से मेरा मतलब दाल रोटी सब्जी से है, जो आपको कुछ शक्ति दे। और ये चीज़ें आपको हर रोज़ करनी है। थोड़ा सा समय निकाल के आपको व्यायाम भी करना है। आप बोलेंगे हम दिन भर काम करते हैं, काम से मतलब परिश्रम होता है, और परिश्रम कभी भी हमको ऊर्जा नहीं देता है, व्यायाम को ऊर्जा देता है। हमारे बॉडी के सारे पार्ट 24 आवर्स 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए काम करते हैं, उनको एनर्जी देने के लिए हमको व्यायाम करना है, ताकि वो ठीक से हमारे लिए काम कर सके। बीच बीच में थोड़ी विश्रांति लेनी है। जैसे आपने सुबह उठ के 12 बजे तक काम किया, खाना खा लिया, आपको आधा घंटा पौन घंटा आराम करना है। फिर आपने दोपहर से शाम तक रात तक काम किया, आपको पूरी 8 घंटे की नींद लेनी है। क्योंकि जब आपकी नींद नहीं होती है तो आप चिड़चिड़े बन जाते हैं, आपका काम में ध्यान नहीं लगता, पूरी एनर्जी आपके पास नहीं रहती, और जब आपको काम तो करना है लेकिन एनर्जी नहीं है, फिर आप आपके एडिक्शन की तरफ अपने आप टर्न हो जाते हैं, तो उसको बंद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको नींद का भी ध्यान रखना है। फिर आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको दो एडिक्शन के बीच में, दो आपकी जो टाइमिंग है तंबाकू खाने की, मान लो आप एक बार खाते हो फिर आपको एक दो घंटे बाद फिर याद आती है, उनके बीच में टाइम बढ़ाना है, टाइम स्पैन बढ़ाना है, कि एक घंटे की बजाय आपको दो घंटे बाद खाना है, दो घंटे की बजाय 4 घंटे बाद खाना है। ऐसा धीरे धीरे करके आपके जो दो टाइमिंग है, गुटखा खाने के, सिगरेट पीने के, तंबाकू खाने के, उनके बीच की टाइमिंग आपको बढ़ानी है। और जब आप टाइमिंग बढ़ाना सीख जाएंगे तो आपको धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम करनी है। आप जितनी तंबाकू का प्रमाण खाते थे, जितनी सिगरेट आप पीते थे, उससे आधी करनी है, उससे धीरे धीरे कम करनी है। क्योंकि जब एडिक्शन हमने शुरू किया था तो हमने पहले दिन तो बहुत सारी सिगरेट नहीं पी थी, बहुत सारी तंबाकू नहीं खाई थी, हम धीरे धीरे करके उसके आदी हो गए हैं। वैसे ही कम करने के लिए भी आपको धीरे धीरे ही कम करना होगा। और रही बच्चों को इन चीज़ों से रोकने की बात, तो सब जानते हैं कि बच्चों को जो चीज़ बताई जाती है, बोली जाती है, वो बच्चे कभी नहीं करते। वो करते हैं जिनको वो करता हुआ अपने घर वालों को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं। सो आपको जब भी लगता है कि ये अच्छी आदत मेरे बच्चे में होनी चाहिए, उनको सिखाने से पहले आप अपने आप से शुरुआत कीजिए। तो आप अगर अपनी हेल्थ संभालते हैं, अपनी आदतें अच्छी सुधारते हैं, तो बच्चे अपने आप अच्छी परवरिश में आ जाएंगे, उनके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज तंबाकू विरोधी दिन के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बहनों और भाइयों, इस वेबिनार के अंतिम चरण में हम पहुँच रहे हैं। हमारे इस वेबिनार के लिए विशेष करके डॉक्टर विशाखा गर्गे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर विशाखा गर्गे जी, आप समन्वयक ब्रह्म कुमारी संचालित उड़ान व्यसन मुक्ति केंद्र के आप समन्वयक हो। आपने व्यसन मुक्ति क्षेत्र में कई कार्यक्रम और उपक्रमों का आयोजन किया है। यश आयुर्वेदिक उपचार केंद्र से आपने निशुल्क परामर्श तथा दवाइयों का वितरण भी किया है। आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष करके भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी विशेष शपथ जो है, प्लेज जो है, प्रतिज्ञा जो है, उस प्रतिज्ञा का वाचन हमारे बीच डॉक्टर विशाखा गर्गे जी करवाएंगे। तो आइए, प्रतिज्ञा का वाचन करने हेतु और प्रतिज्ञा दोहराने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विशाखा गर्गे जी को। सभी को आदर से नमस्ते। ब्रह्मा कुमारी जलगांव के उड़ान व्यसन मुक्ति केंद्र की उड़ान 10 वर्ष पूर्व परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद और आदरणीय मीनाक्षी दीदी और सभी आदरणीय भाई बहनों के सहयोग से शुरू हो गई। दुखी अशांत लोगों के व्यसनों को से मुक्त करना यही पावन ध्यास रखा और जहां हो जितना हो सके हर माध्यम से निशुल्क समुपदेशन और औषधि वितरण किया गया। सभी भाई बहनों को लाभ हो इसलिए बच्चों से शुरुआत की गई, स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसेस में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर हमने कई कार्यक्रम किए, उसके बहुत सफल हमें रिजल्ट मिले। वहाँ इन व्यसनाधीनता के कारण जो दुष्ट लक्षण है, दुष्ट परिणाम है, उसका दुरुपयोग है, और साथ ही कितनी सहजता से हम इन व्यसनों से छूट सकते हैं, इसके ऊपर मार्गदर्शन किया गया। बसों में हमने स्टिकर लगाए और जो भी
ऐसी जगह है, ज्यादा लोग जाते हैं वहाँ, पेंटिंग्स के द्वारा ये महसूस था उनको दिखा दी कि कैसे हमें व्यसनों से दूर रहना चाहिए। अभी कोरोना की वजह से ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, हम लोग पर्सनली फोन से और प्रत्यक्ष मेडिसिन जो है वो यश आयुर्वेद उपचार केंद्र जलगांव में तो दे ही रहे हैं, लेकिन आगे का प्रोग्राम भी बहुत सुंदर तरीके से जूम मीटिंग के द्वारा हर 15 दिन में किया जाएगा, जिसमें हम प्रत्यक्षता आपकी प्राइवेसी का ध्यान देखते हुए व्यसनाधीन व्यक्ति से जुड़ सकते हैं या उनके रिश्तेदारों से जुड़ेंगे और उनको मार्गदर्शन करने वाले हैं। हमने जो भी सुना है अभी तक उसमें से हमें समझ में आया है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति की कमी से व्यसनों का आधार लिया जाता है और व्यसनों के आधार से कई बीमारियां आती है और कई बीमारियों की वजह से हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो गई है और उस प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है तो कई जीवाणु विषाणु कीटाणु हमें अपना शिकार बना लेते हैं। तो इसीलिए हमें इन कार्य को आगे और बढ़ाना है। ये समय ऐसा आ गया कि जिसमें हम और टेंशन में आ गए और आधार लेने लगे व्यसनों का, तो हमें इससे डट कर सामना करना है। और इसीलिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भी हमारे लिए कुछ संदेश है, जैसे 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे है। यह दिन इट्स हाइलाइटिंग द हेल्थ एंड अदर रिस्क एसोसिएटेड विद टोबैको यूज, एडवोकेटिंग फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज टू रिड्यूस द टोबैको कंजम्पशन। This year theme is Commit to Quit। यह पत्र है अपर सचिव से, स्वास्थ्य मंत्रालय से। हम सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इस पर विशेष कार्य करें, क्योंकि हमने देखा है, हमने जो रूरल एरियाज में काम किया है, कि किसानों में ये बढ़ रहा है, उसका परिणाम हमारे अनाज के ऊपर हो रहा है। तो उन सभी की मानसिक शक्ति को बढ़ाने हेतु हम सभी को मिलकर ये कार्य करना है और इसीलिए आज हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं कि किस तरह से हम स्वयं को तैयार करें। जो शपथ गवर्नमेंट की तरफ से आई है वो इस प्रकार है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर हम यह शपथ लेते हैं कि जीवन में हम कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादनों का सेवन नहीं करेंगे एवं अपने परिजनों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादनों एवं किसी भी नशे का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारी प्रेरणा, हमारी इच्छा, यह हमें जरूर विजय दिलाएगी। ओम शांति। बहनों भाइयों, बहुत ही सुंदर रीति से सभी वक्ताओं ने हमें आज के दिन मार्गदर्शन किया है। हम सभी के प्रेरणा स्रोत सर्वोच्च शक्ति परम शिव परमात्मा, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और हम सभी के लिए ये बहुत ही एक अच्छा क्षण है कि परमात्मा ने हम सबको लाभान्वित किया है। विशेष करके डॉक्टर सचिन परब जी, जिन्होंने तंबाकू छोड़ने के लिए आंतरिक प्रतिबद्धता किस प्रकार से करें उसके क्षेत्र में बहुत ही उपयुक्त और अनुभवयुक्त मार्गदर्शन किया। ब्रह्म कुमारी मेडिकल प्रभाग की ओर से यूट्यूब में हमारे लाइव देखने वाले जो प्रेक्षक है उनकी तरफ से और आफ्टर द लाइव रिकॉर्डिंग होने के बाद जो भी लोग देखेंगे उन सभी प्रेक्षक की तरफ से मैं डॉक्टर सचिन परब जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। साथ ही हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी, जिनके मार्गदर्शन की प्रेरणा ही तो आज के इस सुंदर प्रोग्राम का नियोजन हुआ। तो आदरणीय राजोगिनी मीनाक्षी दीदी जी, आपका आशीर्वचन देने हेतु और इस प्रोग्राम के मार्गदर्शन हेतु बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे दूसरे वक्ता सवचेतना विस्पुति जी, जिन्होंने अपने अनुभव युक्त वचन हमारे सामने प्रस्तुत किए और किस प्रकार से तंबाकू छुड़वाने के प्रति प्रतिबद्धता करने हैं उसके बारे में भी प्रकाश डाला। ब्रह्म कुमारी मेडिकल प्रभाग की ओर से
सवचेतना स्पति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर किरण पाटिल जी जिन्होंने मेडिकल प्रभाग की गतिविधियों से हम सबको लाभान्वित किया तथा अपने अनुभवयुक्त विचार हमारे सभी के साथ प्रस्तुत किए, तो डॉक्टर किरण पाटिल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर विशाखा गर्गे जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यसन मुक्ति के हेतु हमारी उड़ान व्यसन मुक्ति की गतिविधियों से अवगत कराया, साथ ही व्यसन मुक्ति तथा तंबाकू छुड़वाने की प्रतिज्ञा हम सभी को दी, तो मैं डॉक्टर गर्गे जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।